السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم محترم حضرات وخواتين السلسله لا يؤمن احدكم تمسوا आदमी مؤمن كامل نہیں ہے جو आज की कड़ी में हदीस है हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तू से वो फरमाते हैं कि प्यारा नबी इरशाद फरमाया हब कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसके पास सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं उसके औलाद उसके वाल और तमाम लोगों से बढ़कर, औलाद वाल तमाम लोगों से बढ़ के जब तक प्यार भी अलैहि वसल्लम किसी के नज़दीक ज्यादा महबूब ना हो जाए उस वक्त तक वो मोमिन कामिल नहीं है ये सही मुस्लिम की हदीस है और सही बुखारी और दीगर हदीस की किताबों में बहुत मशहूर और वरूफ हदीस है ये हजरात वो शख्स मुमिन कामिल नहीं है जो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब ना जाने सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह से भी बढ़ के नहीं नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की अलामत यही है कि अल्लाह से भी उनसे बढ़ के मोहब्बत हो और नबी से मोहब्बत की ये अलामत है कि जिससे मोहब्बत होती है उसकी इतात होती है और अल्लाह ने इस आयत में जिसको मुफसरीन ने आयत इम्तिहान कहा है कि मोहब्बत के इम्तिहान की आयत है ये कि मोहब्बत है तो उसका इम्तिहान कैसे होता है इत के ज़रिए से इनकुन तुम तो हिब्बन अगर तुम मोहब्बत अल्लाह से करते हो अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो तुम मेरी होबा करो अल्लाह से मोहब्बत होगी तो नबी की तात होगी क्योंकि नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं नबी को यह ऊंचा मुकाम दिया अल्लाह ने दिया तो जाहिर सी बात है अल्लाह से सबसे बढ़ के मोहब्बत हो और हदीस बेसरात के साथ है औलाद वालिदैन और सारे लोगों में सारे लोगों में से सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के रसूल को रखना चाहिए हजरत उमर रضي الله تعالی عنہ एक مرتبہ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे और उमर रضي الله تعالی ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान के तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उमर अभी भी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ तो उमर ने कहा कि देखिए अल्लाह के रसूल अब मेरी जान से बढ़ के आप महबूब हैं तो नबी ने फरमाया अल-आन या उमर अब आई उमर बात बनी है और तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ है तो ईमान के तकमिला के लिए ईमान के कम्प्लीशन के लिए ईमान मुकम्मल करने के लिए बहुत जरूरी है कि अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। एक सवाल पैदा होता है क्यों नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, मोहब्बत होनी चाहिए अगर लॉजिक के एबार से देखेंगे अहले इल्म ने लिखा है कि किसी से मोहब्बत होती है तो तीन चार इसबाब के तहत मोहब्बत होती है पहली चीज़ ल जमाली उसकी ज़ाहरी खूबसूरती की वजह से मोहब्बत होती है लगाव हो जाता है दूसरी चीज़ ल कमाली उसके कमालात और उसके ऐसे ऐसे कमालात हैं और ऐसे अबकारी हस्ती और शख्सियत हैं के उनके कमालात को देखकर उनके तजुबात को देखकर उनके इलम को देखकर उनकी सलाहियत और काबिलियतों तो को देखकर आदमी गिरविदा हो जाता है उसको चाहने लगता है और तीसरा सबब ली एहसानी, कि किसी के एहसान की वजह से उसके अखलाक की वजह से अखलाक किरदार उसके एहसान और उसके हुन सलूक की वजह से उससे मोहब्बत होती है और ये तीनों के तीनों अवसाफ किसी एक के अंदर आ जाए बहुत मुश्किल है अगर ये तीन और चार और बाइक वक्त एट ए टाइम किसी के पास आतम दर्जे में मौजूद थी वो है मोहम्मद अरबी आप के हसन जमाल का क्या कहना है क्यों मदी अल्लाह फरमाती है 14वीं की रात में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख लिबास ज़ेब तन फरमाए हुए थे कभी मैं चांद को देखती और कभी मैं आमिना के चांद को देखती तो चांद आसमान का चांद के मुकाबले में आमिना के चांद ज्यादा खूबसूरत मुझे नजर आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां से लोगों ने पूछा सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है यूसुफ अलैहिस्सलाम है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्होंने क्या बेहतरीन जवाब दिया कहा कि देखो हुस्न यूसुफ के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुसन के सामने मिसर की औरतों ने उंगलियां काट ली थी उंगलियां काट ली थी और मोहम्मद के हसन से मुतासिर होकर अरब के बड़े बड़े सुरमाओं ने सरदारों ने अपनी गर्दनें कटवा दी अब बताओ कि कौन ज्यादा खूबसूरत है अल्लाह प्यारे नबी सन जमाल आपके कमालात का क्या कहना है आप موجزات, आपके मोजेसात कमालात आपकी सलाहियत काबिलियत अबकरियत आपकी अहलियत आपके जो ये कमालात हैं कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता आपके एहसान का क्या कहना है अल्लाह ने कुरान में देखी अगर किसी जगह पर एहसान जताया है तो प्यारे नबी वसल्लम की बेहसत के जिम्न में जताया है कहा लकदमी ने बड़ा एहसान किया है मोमिनों पर जबकि उन्हीं में से एक रसूल को उनमें महोस किया है नबी का आना नबी की बेसत बहुत बड़ा एहसान है इंसानियत के नाम आपके एहसानात का क्या कहना है आप इंसान तो इंसान है चरिंदे परिंदे दरिंदे सब के लिए आप मोहसिन थे आप मोहसिन कायनात थे आप रहमत आलमीन थे सलना के आलमीन आप म इंसान के लिए आलम जन्ात के लिए आलम हैवाना के लिए आलम फिजा के लिए आलम अर्जी के लिए आलम समावी के लिए हर एक आलम के लिए आप रहमत थे रहमत थे आप सरा पर रहमत थे तो आप बताइए कि आपके पास ये तीनों के तीनों अवसाफ एट ए टाइम मौजूद हैं इसलिए आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए और जब तक किसी का ईमान ये ना हो किसी को किसी के नजदीक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए वो आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता है अब ये इसकी इम्त, इसके इम्तिहान मैंने अभी कहा कि कुल इन कुन तुम इमरान की जो आयत है मुफसरीन ने लिखा कि ये इम्तिहान है मोहब्बत के इम्तिहान की आयत है ये कि अल्लाह से मोहब्बत है रसूल से मोहब्बत है उसका इम्तिहान कैसे होगा इतात के जरिए से तो हमारे दिल में आल औलाद वन और लोगों की दुनिया के जायदाद और जमीनात इन सब चीजों की मोहब्बत ज्यादा है या अल्लाह उसी रसूल की मोहब्बत ज्यादा है इसको आजमाने के लिए हमें इताद देखना है पैगाम आया नबी का अल्लाह की तरफ से बुलावा आया अलाया लल फला और यहाँ पर बीवी बच्चे कुछ कह रहे हैं यहाँ पर माँ बाप कुछ कह रहे हैं या दुनिया वाले तिजारत और कारोबार का मसला है या कोई और बात है अब यहां पर इम्तिहान है है मोहब्बत का इम्तिहान है कि किसकी करते हो अल्लाह रसूल की मोहब्बत ज्यादा है या या दुनिया वालों की मोहब्बत ज्यादा है अल्लाह उसके रसूल ने कहा कि यह हराम है और हमारे दुनिया वाले घर वाले औलाद वालिदैन इंसान कह रहा है कि यह काम करो अब यही इम्तिहान है कि देखना कि मोहब्बत किसकी ज्यादा है अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ज्यादा है या दुनिया वालों की मोहब्बत ज्यादा है अगर हम दुनिया वालों की मोहब्बत में मगलूब हो जाते हैं तो ईमान हमारा मुकम्मल नहीं है ईमान मुकम्मल नहीं है

अल्लाह अल्लाह के से अल्ला से ज़्यादा मोहब्बत शोहर का इंतकाल हो गया शहीद हो गए का अलमदुल्ला कोई बात नहीं है मोहम्मदी सल्लाह के हाल बताओ आगे बढ़ी किसी ने कहा कि तुम्हारे बाप शहीद हो गए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कबूल किया है बताओ कि हमारे सबसे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है कहा वो सही सलामत है का अल्लाह का शुक्र है किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे का तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया मारे के में वो काम आ गए शहीद हो गए अल्लाह अकबर नबी की मोहब्बत देखो हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वलदिही वह वालिदी व ना से अजमायन सारों से बढ़कर मोहब्बत प्यार नबी सक्राम की जिंदगी में आप इसके इसके बेशुमार मिसालें और बेशुमार नमूने देखेंगे कि वो लोग किस तरह से अल्लाह उसके रसूल से बढ़ के अल्लाह उसके रसूल से सबसे बढ़कर टूट के मोहब्बत किए हैं फूट के चाहे हैं वो लोग आज हमारे पास ये चीज नहीं है

कि फुला आदमी से मैं मोहब्बत करता हूं तुम भी मोहब्बत करो फिर वो लोग आसमान में सारे आसमान पे मुनादी कर देते एलान कर देते हैं तुम भी भी करो वो भी करने लगते जमीन पे ऐलान होता है जमीन पे मुनादा उसके बाद ये कहा जाता है कि देखो तुम भी मोहब्बत करने लग जाओ सारे के सारे लोग मोहब्बत करने लग जाते हैं इसलिए हम देखते हैं कि वो लोग चल्ला उसके रसूल की तालीमत कुरान और हदीस से लगे रहे बड़े बड़े मुहदसिन फाह और सलफ सालिहीन गुजरे हैं हमारे रिश्तेदार नहीं हैं लेकिन उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है इमाम बुखारी की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में है सहाबा इकराम की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में है सलफ सालीन की मोहब्बत बच्चे बच्चे के दिल में है क्यों इसलिए कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं और दुनिया में ऐलान हुआ है कि उनसे मोहब्बत करो आज इस बात की अशद जरूरत है कि हम अपने ईमान को मुकम्मल करने के लिए प्यारे नबी सल्ह वसल्लम को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को तरजीह दें अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को मुकदम रखें तो हमारा ईमान मुकम्मल होगा और अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो वो शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता है दोहर रब्बीन से अल्लाह तबरकाम और आप को कहने से सुनने से ज़्यादा अमल की तोफ़ीकतः फरमाएँ अल्लाह ताली सारी दुनिया से इस वबा को दूर फरमाएँ अल्लाह मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू दिनो ईमान आहल आयाल की हिफाजत फरमा यमीन रमज़ान में हमें इतमान सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा सहत वाफियत के साथ रख कर कमाक रमज़ान कहाक अदा करने की तोफ़ीक़ा फ़रमा दें हम अल्लाह ताली हमारी मस्जिदों को दोबारा आबाद फरमा दें आमीन व आखरदान الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله نبينا محمد